समापन किया था विपक्ष ने। बहुत अच्छा प्रयास था, 8 देशों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों खिलाड़ी यहाँ पर रहे जिनने इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर अपना गोल्फ के प्रति जो प्रेम है उसके साथ साथ प्रोफेशनलिटी को दर्शाने का काम किया। और हरियाणा में ऐसे टूर्नामेंट्स होना अपने आप ये दर्शाता है कि जो प्रो स्पोर्ट्स कल्चर हरियाणा का है, हम कामयाब हो रहे हैं अट्रैक्ट करने में ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को जो ग्लोबल एनवायरनमेंट से आकर हमारे बीच में खेलने का काम करें। पीछे प्रोफेशनल बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हुआ, आज गोल्फ का हुआ है, मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्स जो धीरे धीरे अब पार्ट बन रहे हैं ओलंपिक्स के, उन गेम्स को हम आने वाले भविष्य के लिए केटर करें। और गुड़गांव तो अपने आप में एक अजूबा है दुनिया के लिए कि गुड़गांव ज़िले में आज 13 गोल्फ कोर्सेज हैं छोटे बड़े, और वो अपॉर्चुनिटी देते हैं गोल्फ कोर्सेज नए टैलेंट से लेकर प्रोफेशनल्स को कि वो अपने गेम के, अपने स्पोर्ट के प्रति पूरी तौर पर समर्पित भी रहें और खेल कर उसमें अपने आप को और बेटर करें। एक सियासी सवाल सर, उचाना कला को लेकर, उचाना कला विधानसभा सीट को लेकर आजकल हॉटस्पॉट बना हुआ है। चलिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं से मैं लड़ा था, वहीं से लड़ूंगा, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी और को चिंता हो। की तरफ खिलाड़ी भी धरने पर बैठे हैं दिल्ली में, देखिए उन साथियों से जो उनका विषय है, केंद्र सरकार की एक कमेटी जिसमें उन्हें एडिशनल मेंबर्स डलवाए, उनके साथ इंक्वायरी और चर्चा कई बार, उनकी नई मांग थी कि FIR हो, FIR रजिस्टर होगी। अब दिल्ली पुलिस उसको इंक्वायर करेगी और मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी सामने आ रही है। 2024 नज़दीक आता जा रहा है और 2024 नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए, मैं तो 2019 से ये सुन रहा हूँ, जब मैंने शपथ ली थी हरियाणा प्रदेश की, उस दिन आप पूछने लगे थे कितने दिन चलेगा, कैसा चलेगा। मैंने आपको जब कहा था मजबूत चलेगा, 5 साल चलेगा, और अभी तो 1.5 साल बाकी है, 1 साल लोकसभा में बाकी है, और ये चीज़ आगे कितनी मजबूती के साथ चलेगी तो दोनों पार्टी की लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी। आप सवाल मुझसे पूछोगे, मैं जवाब आपको दूंगा, और जितनी बार पूछोगे मुझे लगता है उतनी बार ये गठबंधन और मजबूत हो। तो सर जी, एक सवाल और कि आपका संगठन में जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपको बनाया गया, तो पहले भी था जब पार्टी। दूसरा, BJP की लगातार जो है पन्ना प्रमुख तक बैठक चल रही है, कांग्रेस भी घर घर जाकर हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, BJP का क्या प्लान है और किस तरह से? ऑलरेडी 2 फंक्शन चल रहे हैं, एक तो बूथ योद्धा का, जहाँ हम हर बूथ पर एक युवा साथी को जिम्मेवारी दे रहे हैं, वहीं महिला सखी बूथ लेवल पर हम बना रहे हैं। ये एक हमारी माता बहन जो चुनरी चौपाल कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी, वो बूथ पर संगठन को मजबूत करें। पार्टी का, क्योंकि हर 2 साल में हमें इन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करके इलेक्शन कमीशन को जमा कराना होता है, 4 साल हो गए, ये ड्यू था उसको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पिछली बैठक में डिस्कस कर अब आगे औपचारिक तौर पर अनाउंस करना शुरू किया। और मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो हमारे स्टेट लेवल के फंक्शनरीज हैं उनको हम पूरी तौर पर अनाउंस करें। एक सवाल और सर, कि इनेलो ने कहा है कि राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होगी कांग्रेस का समर्थन या कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार हैं, तो क्या जेजेपी भी इस बारे में सोच रही है कि राजनीतिक? ना तो इनेलो का हिस्सा हूँ, मुझे बाहर निकाल दिया गया था, और ना मैं कांग्रेस की तरफ जाने की सोच सकता।